मित्रों, शनिदेव की दृष्टि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। ये वो देवता हैं जिनके नाम से मनुष्य तो छोड़िए, असुर और दूसरे देवता भी खौफ खाते हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव चाहते हुए भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो आखिर क्या है इसके पीछे का धार्मिक कारण और क्यों शनिदेव कभी भी किसी हनुमान भक्त पर दृष्टि नहीं डालते, आइए जानते हैं मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, शनिदेव के हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करने की हमारे धार्मिक ग्रंथों में दो पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली कथा के अनुसार हनुमान जी ने एक बार शनिदेव को इतना मारा था कि शनिदेव का घमंड चूर चूर हो गया। इस कथा के अनुसार प्रातः काल का समय था। भक्त हनुमान प्रतिदिन की तरह भगवान श्री राम के ध्यान में डूबे थे। वो राम नाम जपने में इस कदर मग्न थे कि उन्हें न तो समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था और न ही आसमान में उड़ते पक्षियों की ध्वनि। हनुमान जी से कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनिदेव विचरण कर रहे थे और उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अब किसकी कुंडली में जाकर बैठा जाए। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से लेकर गीली रेत पर जहाँ जहाँ पड़ती वही बालू सूख जाती। इससे उनका अहंकार और अधिक बढ़ रहा था। कुछ ही देर में शनिदेव हनुमान जी के पास जा पहुंचे और उनकी दृष्टि आंखें बंद कर ध्यान में डूबे हनुमान जी पर पड़ी। कुटिलता से मुस्कुराते हुए वो हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें पुकारने लगे। अरे ओ वानर, शीघ्रता से आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने तेरी कुंडली पर विराजमान होने आ गया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव ने सोचा था कि उनका नाम सुनते ही हनुमान कांपते हुए उनके चरणों में गिर जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि भगवान हनुमान ने धीरे धीरे और निडरता से अपनी आंखें खोली, फिर शनिदेव को देखते हुए कहा, महाराज आप कौन हैं और इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं, बताएं मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी की बातें सुनकर शनि गुस्से से लाल पीला हो गए और बोले, मूर्ख वानर, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं शनिदेव हूँ और तेरे दिन फिराने आया हूँ। मैं तेरी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, साहस हो तो मुझे रोक लो। फिर क्या था, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप तो बिना बात के ही क्रोधित हो रहे हैं, मैं ठहरा बूढ़ा वानर और आप युवा सूर्यपुत्र, भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। मैं तो आपसे विनम्रता से विनती ही कर सकता हूँ, कृपा कर मुझे अकेला छोड़ दे ताकि मैं श्री राम की आराधना कर सकूं। पवन पुत्र के ये कहते ही शनिदेव ने उनकी बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो और एक झटके से उन्होंने अपनी बाह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। ये देख शनिदेव का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी की दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। इससे हनुमान जी का धैर्य टूट गया और उन्हें भी क्रोध आ गया। फिर क्या था, भक्त हनुमान ने श्री राम का नाम लिया और शनिदेव की ओर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में शनिदेव हनुमान जी की पूंछ से लिपट गए, लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का अहंकार नहीं टूटा और उन्होंने कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देखते जाओ आज मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। मित्रों, अपने आराध्य श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने पूंछ में लिपटे शनिदेव के साथ समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कभी इस पहाड़ से टकराती तो कभी उस पहाड़ से, वो कभी वृक्षों से टकराती तो कभी कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। कुछ ही देर में पूंछ से लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया, उनके शरीर पर कई खरोंचे आ गई थी और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। लहूलुहान हुए शनि ने अपने पिता सूर्यदेव और सभी देवताओं को खूब आवाजें लगाई, लेकिन भला पवन पुत्र हनुमान के सामने कौन ही आता। अंत में थक हार कर शनिदेव हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, वानर राज दया करो, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल चुका है, मेरे प्राण मत लीजिए, मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि सिर्फ मेरे नहीं
तुम मेरे भक्तों से भी दूर रहोगे, अन्यथा मैं फिर से दौड़ लगा सकता हूँ। शनिदेव टूट गए और उन्होंने हनुमान जी की बात मान ली। और मित्रों, यही कारण है कि जो भक्त हनुमान जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर शनिदेव कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते। इसके अलावा शनिदेव का हनुमान भक्तों से दूर रहने का एक कारण ये भी है कि एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से बचाया था। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप शनिदेव, हनुमान और रावण की वो कथा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। खैर मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।